नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया के ताजा समाचार इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, ट्विटर को अदालत की फटकार, इस्लामोफोबिया के ट्वीट डिलीट करना काफी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ अदालत ने काफी सख्त रवैया अपनाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा है कि वह बताए कि जब कुछ लोग इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, तब वह चुप क्यों रहा। अदालत ने इस अमेरिकी कंपनी से यह भी पूछा है कि उसने पहले दिए नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, ट्विटर को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है और इससे जुड़े ट्वीट को सिर्फ डिलीट कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या है मामला। एक वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह शिकायत की थी कि कुछ हैशटैग से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्विटर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप लोगों को दोस्तों आप बताते चले, गोदी मीडिया, अंधभक्त और बीजेपी लगातार मुसलमानों को ही निशाने पर लेते रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराते रहे हैं बीजेपी, अंधभक्त और गोदी मीडिया। इसीलिए ये पूरा मामला पहुंचा कोर्ट और वहां से ट्विटर को लगी है जबरदस्त तरीके की फटकार। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले टेप कांड के बाद संजीवनी घोटाले में भी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम, सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है और केंद्रीय कैबिनेट से उनको हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम टेप कांड में आया और अब संजीवनी घोटाले में भी आया है उनका नाम, सरकार ने अब तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है और कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये काफी चिंता का विषय है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शिकायत में शेखावत के साथ ही उनकी पत्नी और अन्य के नाम भी शामिल है। इस घोटाले में हजारों निवेशकों ने कथित तौर पर करीब 900 करोड़ रुपए गंवाए हैं। इस पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय कैबिनेट से गजेंद्र सिंह शेखावत को बर्खास्त करने की मांग की है। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट जान लेते हैं, केरल कर्नाटक में छिपे हैं आईएसआईएस के 180 से 200 आतंकवादी, यूएन की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या हो सकती है और इस बात पर भी ध्यान दिलाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा आतंकवादी संगठन क्षेत्र में हमले की साजिश रच रहा है। माना जाता है कि इस संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के 150 से 200 आतंकवादी हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी शासित राज्य पत्रकारों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, यूपी के बाद अब एमपी में पत्रकार की बेरहमी से हत्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक पत्रकार की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर करगवा और पुत्री खेड़ा गांव के बीच की बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार सुनील तिवारी पर बदमाशों ने इस वक्त हमला किया जब वो अपने गांव लौट रहे थे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है पत्रकार, और यहां पर लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सामने निकल के आती हैं जिनसे ये प्रमाण मिलता है कि पूरी तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और वहां पर गुंडा राज कायम हो चुका है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, आप लोग भी बता सकते हैं अपनी राय। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों से कमाए 428 करोड़, तो राहुल गांधी बोले आपदा को मुनाफे में बदल करके कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों द्वारा 428 करोड़ रुपए कमाई करने वाली एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय पर जोरदार हमला बोला है। आपको बताते चले दोस्तों, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने तंज कसा है केंद्र की मोदी सरकार पर और जोरदार हमला किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कसा तंज, कहा दोनों संविधान को नहीं मानते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर के निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें संविधान और नियम नहीं मानने वाला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों ने दबाव और पैसे से पहले गुजरात को चलाया और अब देश को चलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे हालात में प्रजातंत्र जिंदा कैसे रहेगा, बीजेपी के पास इतना पैसा है कि वो किसी से भी नाम वापसी करा लेंगे और निर्विरोध चुनाव जीत लेंगे। प्रजातंत्र के लिए यह जो 20 से 25 करोड़ हो रहा है, क्या यह अच्छा है? दिग्विजय सिंह ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, बीजेपी ने पैसे देकर उन्हें अपनी सदस्यता ग्रहण करवाई है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, यूपी में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम, अफसर के घर जाकर के खुलेआम धमकी दे रहे हैं गुंडे, अधिकारियों तक को लगानी पड़ रही है सुरक्षा की गुहार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पुलिस का डर बिल्कुल भी नहीं रह गया है। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे देख के लोग अब यह कहने लगे हैं कि योगी राज नहीं, ये गुंडा राज है, ये जंगल राज है। अपराधियों ने हाल में कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिससे उनके बुलंद हौसलों का प्रमाण मिलता है। पहले कानपुर में 8 पुलिस वालों को मार दिया गया, फिर कानपुर में ही बदमाश एक लैब टेक्नीशियन का अपहरण करते हैं और पुलिस के सामने से 30 लाख रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं। बाद में लैब टेक्नीशियन की मौत की खबर आती है, उसके बाद गाजियाबाद में एक पत्रकार को गुंडे सरेआम मार देते हैं। उस पत्रकार का दोष बस इतना था कि उन्होंने गुंडों को अपनी भांजी से छेड़छाड़ करने से रोका था और उसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। अब तो गुंडे सरकारी लोगों को भी घर में घुसकर के धमकी देने लगे हैं। अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने मथुरा के एसडीएम के घर जाकर के उन्हें देख लेने की धमकी दी है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक एसडीएम राजीव उपाध्याय ने डीएम और एसपी को पत्र लिखकर के घटना की जानकारी दी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है डीएम और एसपी के सामने। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी में अपराधी पूरी तरीके से हैं बेलगाम और यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी पूरे मामले को लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, आजम खान का बड़ा ऐलान, कहा राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रण नहीं मिला तो सरयू में लेंगे जल समाधि। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें, राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसी कड़ी में मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान ने अयोध्या पहुंच करके एक प्रतिज्ञा ली है। उनका कहना है कि अगर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में उनको नहीं आमंत्रित किया गया तो वे उसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। उनका मानना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया है, वह भगवान राम को मानने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, बढ़ते कोरोना को लेकर के प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा, बोली भयावह है स्थिति, नो टेस्ट नो कोरोना की नीति को छोड़े। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति चिंता जताते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने पत्र लिख करके हालात से निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ भयानक दिक्कतें सामने आ रही है, बेड की बड़ी किल्लत है, अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन है, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कानपुर लखनऊ गोरखपुर वाराणसी से बदहाली की खबरें आ रही हैं। मैंने सीएम साहब को पत्र लिखकर के
कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। यूपी सरकार को हट छोड़कर के एक पारदर्शी और जनहित वाली नीति अपनाने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से अब गांव देहात भी अछूते नहीं है ये कहा है। इससे पता चलता है कि सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना की नीति अपना रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की स्थिति में है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भी भयावह होते जाएंगे। लगातार ये यहां पर तमाम बातें कही है प्रियंका गांधी ने और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के प्रति जताई है चिंता और यहां पर घेरा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस ने सिंधिया को लिया निशाने पर बताया नाग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें बीजेपी का हाथ थामने को लेकर के कांग्रेस लगातार सिंधिया पर तंज कसती रहती है। इस बीच नाग पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सिंधिया पर जमकर के निशाना साधा है। अरुण यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो ट्वीट करते हुए नाग पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं और यहां पर सिंधिया को बताया है नाग। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन हटाने की मांग पर भड़के हैं उद्धव ठाकरे। कहा हटा दूंगा लेकिन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन ना हटाने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र से जल्दबाजी में लॉकडाउन ना हटाने का उनका फैसला सही है और वो इस पर मजबूती से अभी भी कायम है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग लॉकडाउन हटाने की मांग कर रहे हैं क्या वो लोग कोरोना वायरस से हो रही मौतों की जिम्मेदारी लेंगे। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं उद्धव ठाकरे ने। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत